हेलो गाइस, वेलकम टू बाय हटके। मेरा नाम है फरहान और आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट फोन्स अंडर 25,000। तो देखो आजकल क्या हो रहा है कि इस सेगमेंट में काफी सारे फोन्स आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा ही अच्छे आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सबसे ज्यादा आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली होंगे और कौन सा फोन किस यूज केस के लिए बना है। तो हमारे सैमसंग फैंस के लिए सबसे पहला जो फोन है वो है सैमसंग F54। अभी M सीरीज का लेटेस्ट लॉन्च हुआ था, उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। F54 ज्यादा वैल्यूएबल है। डिस्प्ले जो इसका काफी अच्छा है, काफी अच्छी कलर रिप्रोडक्शन करता है। सैमसंग की डिस्प्ले है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छी होनी ही है। पर हाँ, इसमें डीमेरिट भी है। 6000 mAh की बैटरी तो दी है, बहुत ज्यादा स्लो चार्जर है, सिर्फ और सिर्फ 25 वॉट का। तो काफी टाइम लगेगा चार्ज होने में, 2.5 घंटा 3 घंटा तो आराम से कहीं नहीं गया है। प्रोसेसर इसमें आपको जो है एक्सिनोस का 1380 मिलता है, काफी अच्छा रिफाइंड प्रोसेसर है। एक्सिनोस के प्रोसेसर उतने अच्छे पहले नहीं थे, पर अब जो है काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ आ रहे हैं। बात करें कैमरे की तो काफी अच्छा कैमरा मिलता है, अच्छी क्वालिटी की फोटोज आप निकाल पाओगे। अगला फोन जो है हमारा वो है Moto H14 Neo। थोड़ा पुराना है फोन, पर इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा ही अच्छी है। 25,000 के अंदर इस फोन में आपको IP68 की रेटिंग मिलती है, जो आपको शायद ही किसी फोन में मिलेगी। 6.5 इंच की कर्व डिस्प्ले मिलती है और वीगन लेदर का बैक है, तो बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होता है ये फोन। डायमेंसिटी 7030 मिलता है, तो काफी अच्छी आप गेम प्ले कर पाओगे। परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी निकाल के देता है। 5000 mAh के साथ आता है और 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। तो चलो, सैमसंग से ज्यादा इसकी चार्जिंग अच्छी है। और एक मैं तारीफ यहां पर करना चाहूंगा, इसका जो स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है, तो कोई ब्लोटवेयर नहीं है, कोई फालतू के एप्स नहीं है, क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसका जो डिस्प्ले है वो पी एमोलेड डिस्प्ले है, 1300 निट्स के साथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो डिस्प्ले में कहीं पर भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी इस फोन में। बहुत ज्यादा अच्छा डिस्प्ले यूज किया है मोटो ने, पर दिक्कत फोन में थोड़ी सी कैमरे में है। मतलब कैमरा उतने ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, मोटोरोला उस पर वर्क कर रहा है, धीरे धीरे अपडेट्स दे रहा है। थोड़ा अगर आपको शो ऑफ करना है तो आपके लिए नथिंग फोन 2A है। बॉडी में आपको जो है 3 ग्लिफ लाइट मिल जाती है, जिसके वजह से काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। कोई भी आपको नोटिफिकेशन आएगा या कॉल आएगा तो ये 3 लाइट जो है वो फ्लैश करेंगी, तो उससे जो आपको पता चल पाएगा कि हाँ कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई कॉल आ रही है। और आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं उसको आराम से। डिस्प्ले आपको जो है 6.7 इंच का है, काफी अच्छा डिस्प्ले है। बेजल जो है एकदम छोटे मिलते हैं और एकदम सिमेट्रिक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपको जो प्रीमियम फील आता है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 प्रो मिलता है इसमें, जो बहुत ज्यादा अच्छी आपको गेमिंग निकाल के देगा। पहले जो है गेमिंग इसमें उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो रही थी, पर धीरे धीरे टाइम टू टाइम अपडेट्स के साथ स्मूथ पे एक्सट्रीम भी आ गया BGMI में और HDR पे अल्ट्रा भी। कैमरा भी नथिंग फोन 2A का काफी ज्यादा अच्छा है, फोटोज काफी अच्छी निकाल के देता है। थोड़ा सा सनलाइट में अभी भी दिक्कत होती है, पर हाँ उस पे भी धीरे धीरे अपडेट्स आ जाएंगे। बैटरी की बात करूं 5000 mAh की है और 45 वॉट फास्ट चार्जर मिलता है, थोड़ा कम है मोटोरोला से, पर हाँ आपको एक दिन तो आराम से चला देगा ये। बॉडी में जो है थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है इसमें, आपको जो है बैक में प्लास्टिक बॉडी मिलता है, तो थोड़ा सा आपको बॉडी में फील होगा। पर हाँ साइड बेजल जो है उसमें आपको जो है एकदम मैट फिनिश मिलता है, तो उसके वजह से भी आपको प्रीमियम फील आएगा। और दोस्तों इसकी जो बॉडी है वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम फील होती है, क्योंकि इसका जो बैक है उसमें LED लाइट्स तो है ही, उसके साथ साथ साइड में जो है मैट फिनिश है, तो पकड़ने पे फोन काफी ज्यादा प्रीमियम फील देता है। अगले फोन पे बढ़ते हैं जो हमारे गेमर्स भाई लोग को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, पोको X6 प्रो। 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले है, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, डिस्प्ले काफी ज्यादा अमेजिंग है, मजा आएगा आपको एकदम कंटेंट देखने में। बैक में आपको लेदर फिनिश मिलता है मोटोरोला की तरह ही है, तो अच्छा खासा आपको प्रीमियम फील मिलता है। प्रोसेसर की बात करें जो कि सबसे ज्यादा हाइलाइटिंग पॉइंट है, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा मिलता है, 4 नैनोमीटर का चिपसेट है ये, तो बहुत ज्यादा ही फास्ट है। स्मूथ पे आपको 90 FPS मिलता है और HDR पे अल्ट्रा है। 90 FPS एक्चुअल में आता है इसमें, ये नहीं कि 90 बोल के 70 60 तक चल रहा है। 5000 mAh की बैटरी और 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग, तो बैटरी से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक दिन तो ये आराम से चला देगा। कैमरे की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का, और ये पता नहीं 2 मेगापिक्सल का क्यों दे देते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। दो ही कैमरे दो, पर अच्छे ऑप्टिमाइजेशन के साथ दो। और बात करें अगर ऑप्टिमाइजेशन की, तो हाँ अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है, वीडियो आप अच्छी बना पाओगे, फोटोज भी आप अच्छी खासी निकाल पाओगे इससे। और एक और चीज है, आपको इसमें IP54 की रेटिंग मिलती है, तो अगर पानी के छींटे पड़ते हैं तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो सारे फोन्स गाइस अंडर 25,000 रुपीस। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।